students, myself Sanjay Kumar Shina, Assistant Professor, BSc Department from Mahila College, Chhibasa. Last class of BSc third semester in paper Operating Systems and Linux Programming. Third video lecture we had discussed about Operating System structures topic. And now I am going to start topic uh, processes. In this topic we will read process concept.

प्रोसेस क्या है जो जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं हम लोग कोई भी लैंग्वेज में जब प्रोग्राम को तो उसका एक प्रोसेस होता है उसका एक एक पूरा प्रोसीड्योर चलता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के एक उसके अकॉर्डिंग या ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है पूरे प्रोसेस को और इसको ही एक बेसिकली इसको एक जो एग्जीक्यूशन होता है उसको हम लोग प्रोसेस करते हैं द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोसेस मस्ट प्रोग्रेस इन ए सिक्वेंशियल फैशन और जो प्रोसेस होता है जो प्रोग्राम का वो एक सिक्वेंशियल मतलब एक क्रम में एक सिक्वेंस के रूप में वो प्रोग्रेस करता है ए प्रोसेस इज डिफाइंड एज एन एंटिटी विच रिप्रेजेंट्स द बेसिक यूनिट ऑफ वर्क टू बी इम्प्लीमेंटेड इन द सिस्टम प्रोसेस को हम लोग एक डिफाइन कर सकते हैं कि वो एक एंटिटी है जो रिप्रेजेंट करता है जो भी सिस्टम हम इम्प्लीमेंट करते हैं किसी वर्क को तो एक बेसिक यूनिट है पूरे वर्क का जो डिफाइन करता है एक एंटिटी के रूप में टू पुट इन सिम्पल टर्म्स इसको और हम लोग एक साधारण लैंग्वेज में देख जान सकते हैं वी राइट आवर कम्प्यूटर प्रोग्राम्स इन ए टेक्सट फाइल एंड वेन यी एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम इट बिकम्स ए प्रोसेस विच परफॉर्म्स ऑल द टास्क मैंसन इन द प्रोग्राम जब हम लोग कोई प्रोग्राम को लिखते हैं टेक्स्ट फाइल में जब प्रोग्राम आप कोडिंग करते हैं तो टेक्स्ट फाइल में होता है सारा वेन वी एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम जब उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग तो वो एक प्रोसेस जो है जो भी प्रोग्राम में जो टास्क दिया हुआ है जो उसमें जो हम लोगों ने डिफाइन किया है टास्क को उस पूरे प्रोसेस को परफॉर्म करता है मतलब पूरा कंप्लीट करके उसको ऑपरेशन और उसको एग्जीक्यूट कराता है वेन ए प्रोग्राम इज लोडेड इन टू द मेमोरी एंड इट बिकम्स ए प्रोसेस इट कैन बी डिवाइडेड इं फोर सेक्शंस जब कोई प्रोग्राम जब हम लोग लिख लेते हैं जब प्रोग्राम को एक कोडिंग हम लोग कर लेते हैं और उसको मेमोरी में हम लोग उसको लोड करते हैं मतलब उसको एक तरह से हम लोग प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं तब वो फोर्थ सेक्शन में बढ़ जाता है फर्स्ट वन इज स्टैक सेकेंड हीप थर्ड टेक्स्ट एंड फोर्थ वन इज डेटा देखिए इसको हमने एक डायग्राम के थ्रू आपको दिखाया है कि देखिए जब मेन मेमोरी में ये जाके जब प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी होता है तो सबसे पहले देखिए स्टैक जो है वहाँ पोजिशन में जाता है देन क्या है देखिए स्टैक में देखिए काफ़ी हमने एरो का और वहाँ स्पेस हमने दिया है फिर है हीप देन डेटा एंड देन टैक्स्ट इसको आगे के जो स्लाइड में मैंने वहाँ एक्सप्लेन किया है आप देखिए यहाँ क्लियर इसको आपको आपको समझ में आ जाएगा सबसे पहले देखिए स्टैक है स्टैक में होता क्या है द प्रोसेस स्टैक कंटेन्स द टेम्प्ररी डेटा सचाई मेथड और फंक्शन पैरामीटर्स रिटर्न एड्रेसेस एंड लोकल वेरिएबल्स प्रोग्राम में जितने भी मेथड और फंक्शन हमने हम लोग यूज करते हैं पैरामीटर जो उसमें हम लोग मैंशन uh, करते हैं तो वो एक टेम्पररी होता है उसको लोग रिटर्न एड्रेस तो रिटर्न करेगा स्टैक के थ्रू तो एंड जो लोकल वेरिएबल जो यूज करते हैं ये सारे को स्टैक में स्टोर कर देता है ठीक है और वो किस रूप में होगा टेम्प्ररी डाटा के रूप में होगा देन वो किस प्रोसेस में जाता है हिप दिस इज डायनमिकली एलोकेटेड मेमोरी टू ए प्रोसेस ड्यूरिंग इट्स रन टाइम अब जो है जब रन जब करेगा ये जब मेमोरी में के थ्रू तो उस वक्त ये डायनेमिकली एलोकेट करता है मतलब टेम्परली मेमोरी को एलोकेट करता करने का काम करता है हिप प्रोसेस में हिप जो कंपोनेंट हम कर सकते हैं थर्ड में टेक्स्ट दिस इंक्लूड्स द करेंट एक्टिविटी रिप्रेजेंटेड बाय द वैल्यू ऑफ प्रोग्राम काउंटर एंड द कंटेंट्स ऑफ द प्रोसेसर रजिस्टर और ये जो है जो प्रोग्राम के थ्रू जो वैल्यू जो रिप्रेजेंट वैल्यू जो सो करेगा वो एक तरह से प्रोग्राम काउंटर जो हम लोग पढ़े ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग ने पढ़ा है पी एंड और रजिस्टर जो वहाँ मेंटेन करता है पूरे कंटेंट्स को वहाँ पर ये टेक्स्ट का जो कंपोनेंट है वहाँ ये सारा प्रोसेस होगा एंड लास्ट में जो है डेटा दिस सेक्शन कंटेंट द ग्लोबल एंड स्टैटिक वेरिएबल जो हम लोग वहाँ पूरे प्रोग्राम में हम लोगों ने जो स्टैटिक वेरिएबल जो यूज किया जो ग्लोबल जो कई हर एक जगह उसका यूज़ हम लोग करेंगे जो फिक्स होगा वो डेटा कंपोनेंट में वहाँ स्टोर करेगा तो इस तरीके से ये जो प्रोसेस जो था आप जब प्रोग्राम जब मेमोरी हम रिजिक्यूट कराते हैं तो उस वक्त ये चार पोर्सन में बढ़ जाता है तो यहाँ हम लोग चारों को हमने एक्सप्लेन किया अब देखिए ये चूँकि प्रोसेस जब एक बार हम लोगों के जब एग्जीक्यूट करने की मेमोरी में डालते हैं तो एक ये पूरा लाइफ साइकिल चलता है इसलिए हमने यहाँ पर प्रोसेस लाइफ साइकिल को हमने यहाँ दिखाया है कैसे ये चलता है लाइफ साइकिल व्हेन ये प्रोसेस एग्जीक्यूट जब ये प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगा इट पासिस थ्रू डिफरेंट स्टेट्स अलग अलग स्टेट्स से ये क्रॉस करेगा ये गुजरेगा दीज स्टेजेज में डिफर इन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम और ये डिफरेंट हो सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम टू अलग अलग वेरी कर सकता है द नेम ऑफ़ these states स्टेट्स आर ऑल्सो नॉट स्टैंडर्डाइज और उसका देखिए एक सिंपल फिक्स नहीं है मतलब वो अलग अलग ऑपरेशन सिस्टम अलग अलग चेंज करेगा इसलिए देखिए हमने यहाँ पर आपको डिस्प्ले कराया जनरली जो है ये फाइव स्टेट्स के थ्रू ये क्रॉस करता है ये प्रोसेस कंप्लीट होता है फर्स्ट वन इज स्टार्ट दिस इज द इनिशियल स्टेट वेन ए प्रोसेस इज फर्स्ट स्टार्टेड और क्रिएटेड जैसे ही हम लोग प्रोसेस को जब मेमोरी में जो हम लोग लोड करेंगे तो वो सबसे पहले ये इनिशियल स्टेट जो है ये क्रिएट करता है जिसको हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं फर्स्ट स्टार्ट करता है ये सेकेंड किस स्टेज में जाता है ये रेडी द प्रोसेस इज वेटिंग टू बी असाइन टू ए प्रोसेसर रेडी प्रोसेस आर वेटिंग टू हैव द प्रोसेस प्रोसेसर एलोकेटेड टू देम बाई द ऑपरेटिंग सिस्टम सो दैट दे कैन रन अब ये जो है प्रोसेस जो रेडी मतलब अब ये वेट करेगा कि जैसे जैसे उसको एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसको एक शेड्यूल के थ्रू एक बनाएगा उसको वेटिंग कराएगा जैसे जैसे उसको प्रोसेसर को वेटिंग कराते जाएगा जैसे जैसे उसको प्रोसेस में डालते जाएगा वो कंटिन्यू अपना वर्क करते चलेगा और अपना प्रोसेस करते चलेगा प्रोसेस मे कम इन टू द स्टेट आफ्टर स्टार्ट अब देखिए स्टार्ट जो था, पहले था जस्ट पहले स्टार्ट के बाद ये रन करने का और जो है ये सी जो शेड्यूलिंग के हिसाब से हम लोग आगे पढ़ेंगे उसके थ्रू जो ये एक शेड्यूल बनाया रहेगा टू असाइन सी टू सम अदर प्रोसेस तो मतलब और भी चूँकि प्रोसेस के थ्रू सीपी को एक काम करना है तो वो सब का एक uh, उसको एक रेडी स्टेट में ये रखेगा और जब तक ये एक इंटरप्शन नहीं होगा शेड्यूल uh, के uh, के द्वारा तब तक ये उसको रेडी के स्टेट uh, में रखे रहेगा थर्ड जो है आपका स्टेट है रनिंग वंस द प्रोसेस हैज़ बीन असाइन टू अ प्रोसेसर बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूलर द प्रोसेस स्टेट इज सेट टू रनिंग जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूल के द्वारा एक बार उसको असाइन कर दिया कि हाँ अब आपको ये काम करना है तब वैसे ही वो प्रोसेस स्टेट क्या करेगा रनिंग मोड में उसको ले आएगा और जो भी इंस्ट्रक्शन हम लोग दिए रहेंगे प्रोग्राम में अब उसको प्रोसेसर एग्जीक्यूट करने के लिए वेट मतलब स्टार्ट हो जाएगा वो वो उस प्रोसेस में आ जाएगा नेक्स्ट जो है वेटिंग इसमें देखिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना है प्रोसेस मूव इनटू द वेटिंग स्टेट कब वेटिंग स्टेट में जाएगा इफ इट नीड्स टू वेट फॉर रिसोर्स जब उसको रिसोर्स चाहिए जब यूज़र के थ्रू जब उसको जब हम लोग यूज़र के अकॉर्डिंग मतलब हम लोग यूजर कुछ अगर इनपुट डालता है उस वक्त देखिए हमने लिखा बेसा चाहिए फॉर यूजर इनपुट तब वो वेट करेगा ताकि वहाँ से उसको आ, सारा इंस्ट्रक्शन मिले और वो या इनपुट डेटा मिले तब वो उसको वो फिर से रनिंग मोड में उसके एग्जीक्यूट कराएगा और ये चलता रहेगा ठीक है और लास्ट जो इसका है स्टेज टर्मिनेटेड और एग्जिट वंस द प्रोसेस फिनिशेज इट्स एग्जीक्यूशन जैसे ही वो अपना एग्जीक्यूशन काम कंप्लीट करेगा प्रोसेस या टर्मिनेटेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम या ऑपरेटिंग सिस्टम उसको टर्मिनेट कर देगा रोक देगा इट इज मूव टू द टर्मिनेटेड स्टेट वेयर इट वेट्स टू बी रिमूव फ्रॉम मेन मेमोरी और तब फिर ये अब यहाँ पर एग्जिट करेगा और मेन मेमोरी से वहाँ से रिमूव करके चूँकि उसका तो जो आउटपुट है वो अपना एक जगह स्टोर कर देगा और मेन मेमोरी से इसको रिमूव कर देगा तो ये पाँच स्टेज के थ्रू ये प्रोसेस लाइफ साइकिल ये चलता है देखिए हमने एक डायग्राम भी आपको यहाँ पर दिखाया है सिंपल आपको क्लियर समझ में आ जाएगा सबसे पहले देखिए स्टार्ट मोड में है देन एरोमार्क के थ्रू देखिए रेडी हमने दिखाया रेडी को देखिए हमने दोनों डायरेक्शन में दिखा रहे हैं क्योंकि आगे देखिए रनिंग अभी वेट को थोड़ा छोड़ दीजिए रेडी से वे रनिंग मोड में जाएगा और फिर टर्मिनेट होगा फिर देखिए रनिंग से फिर देखिए रिटर्न हो रहा है रेडी में लेकिन देखिए नीचे एक ट्रायंगल बन रहा है रेडी रनिंग वेट एक ट्रायंगल एक बन रहा है मतलब रेडी से रनिंग में जाएगा फिर वो वेट करेगा जो हम लोग थर्ड फोर्थ जो स्टेप हम लोगों ने देखा रिसोर्स के लिए वेट करेगा फिर रेडी में जाएगा फिर रन करेगा और ये कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि उसको या तो कंप्लीट वो एग्ज्यूट ना कर ले या ऑपरेटिंग सिस्टम उसको टर्मिनेट ना कर दे और उस कंडीशन में फाइनली जब ये कंप्लीट या टर्मिनेशन होगा तो ये फाइनली टर्मिनेटेड जो है पोजिशन में ये चले जाएगा तो ये डायग्राम के थ्रू आप क्लियर समझ आपको आ गया होगा तो इस तरह से अभी लोग अभी हम लोगों ने जो पढ़ा इसके पहले जो था आपका एक लाइफ साइकिल था प्रोसेस का अब जो आपके सिलेबस में दिया है प्रोसेस शेड्यूलिंग उसको पढ़ना है तो देखिए व्हाट इज़ प्रोसेस शेड्यूलिंग द प्रोसेस शेड्यूलिंग इज द एक्टिविटी ऑफ द प्रोसेस मैनेजर दैट हैंडल्स द रिमूवल ऑफ़ द रनिंग प्रोसेस फ्रॉम द सीपीयू एंड द सेलेक्शन ऑफ अनदर प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी मीन्स देखिए चूँकि सी पी यू को कई सारे प्रोसेस करना होता है और उसको एक शेड्यूलिंग जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है जो सी पी यू शेड्यूलिंग जो होता है तो वो एक तरह से वो एक प्रोसेस मैनेजर जो होता है ये पूरे प्रोसेस को एक उसको एक, मतलब जो जो जैसे जैसे स्ट्रेटेजी दिया रहता है उसके अकॉर्डिंग वो शेड्यूलिंग तय कर लेता है और फिर वो जैसे एक शेड्यूल बना लिया कि इसको प्रोसेस करना है फिर नेक्स्ट को करना है थर्ड करना है ऐसे करते हुए एक बना लेता है अपना पूरा एक स्ट्रेटजी तैयार कर लेता है प्रोसेस शेड्यूलिंग इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ए मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम लोग जान सकते हैं पढ़े हुए भी हम लोग हैं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी प्रोग्रामिंग जैसे होता है वो भी एक पार्ट है क्योंकि वो प्रोसेस उसमें शेड्यूलिंग होता है मतलब एक साथ कई सारे प्रोग्राम को वो हैंडल करता है ऑपरेट करता है सच ऑप्रेटिंग सिस्टम अलाउ मोर देन वन प्रोसेस टू बी लोडेड इन टू द एग्जीक्यूटिवल मेमोरी एट ए टाइम एंड द लोड लोडेड प्रोसेस शेयर्स द सीपी यूजिंग टाइम मल्टीप्लेक्सिंग और इस तरह ये काम एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम का है जो हम लोगों ने पढ़ा था फीचर्स के बारे में और इसका क्या है कि एग्जीक्यूटिवल जो, जो, जो मेमोरी होता है उसमें एक समय में एक, एक प्रोसेस को लोड किया फिर नेक्स्ट को लोड किया फिर थर्ड को इस तरह चलता रहता है और जो उसका सीपी है उसका प्रोसेस को उस शेयरिंग करता है जिसको हम लोग कह सकते हैं मल्टीप्लेक्सिंग मल्टीप्लेक्सिंग ठीक है तो ये एक प्रोसेस शेड्यूलिंग का एक सिंपल डिफिनेशन था यहाँ पर अब चूंकि ये कैसे वर्क करता है इसको हम लोग यहाँ जानेंगे तो देखिए प्रोसेस शेड्यूलिंग के थ्रू तो एक क्यू बनता है एक क्यू के रूप में ये जो और ये कौन करता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम द ओस मेंटेन्स ऑल पी सी बी इन प्रोसेस शेड्यूलिंग क्यूज ठीक है वो एक पूरा जो आप प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक हम बोल सकते हैं पीसीबी का जो फुल फॉर्म होता है ये एक पूरा एक मेंटेन करता है जो क्यू को एक रेडी करता है शेड्यूलिंग के रूप में मतलब पहले एक किसको करना है फिर किसको करना है ऐसे करते करते एक शेड्यूल बना लेता है द ओ एस मैंटेन्स ए सेपरेट क्यू फॉर ईच द प्रोसेस स्टेट एंड पी ऑफ ऑल प्रोसेस इन द सेम एजुकेशन स्टेट आर प्लेस्ड इन द सेम क्यू ऑपरेटिंग सिस्टम का ये काम है कि उसको क्यू कैसे करना है और हर एक जो प्रोसेस स्टेट होगा उसको रेडी करेगा क्यू के रूप में और हर एक को प्रोसेस कराएगा और उसको एजुकेशन स्टेट में उसको उस मोड में लाकर उसको रखे रहेगा रेडी करेगा और पीसीपी सी जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के थ्रू सारे प्रोसेस को रेडी करेगा व्हेन द स्टेट ऑफ ए प्रोसेस इज चेंज्ड द इट्स पीसीबी सी बीज इन फ्रॉम इट्स करंट क्यू एंड मूव टू इट्स स्टेट न्यू स्टेट क्यू मतलब पी के थ्रू क्या होगा जैसे एक मतलब प्रोसेस कम्प्लीट हो गया फिर नेक्स्ट मतलब फिर वहाँ पर जो उसका करेंट जो क्यू में होगा फिर उसको मूव कर देगा ताकि वो फिर से न्यू क्यू में वो आ जाए वेट कर आ जाए मतलब तो इस तरह से वो प्रोसेस चलता रहता है देखिए हमने यहाँ एक लिखा है द ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन्स द फॉलोइंग इम्पोर्टेंट की प्रोसेस शेड्यूलिंग क्यू इस जो हमने लिखा है इसको इस तरह से मेंटेन करता है सबसे पहले क्या करता है जॉब क्यू में उसको रेडी करता है दिस क्यू कीप ऑल द प्रोसेस इन द सिस्टम ये सबसे पहले क्या करेगा जितने भी वर्क उसको करना है जितना प्रोसेस करना है सिस्टम का सबको एक तरह से क्यू में वो रेडी कर लेगा जॉब क्यू के रूप में नेक्स्ट जो है रेडी क्यू दिस क्यू कीप्स ए सेट ऑफ ऑल प्रोसेसिंग रिसाइडिंग इन मेन मेमोरी रेडी एंड वेटिंग टू एग्जीक्यूट ए न्यू प्रोसेस इज ऑलवेज पुट इन दिस क्यू और इस क्यू में क्या करेगा मेन मेमोरी में जो वहाँ पर जब उसको रिसाइड मतलब वहाँ पर इसको स्टोर करने के लिए रेडी करेगा और वेट हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि रेडी ऑन वेटिंग ये पूरा चलता रहेगा ये इसका पूरा प्रोसेस और फिर से न्यू प्रोसेस वेट भी करेगा मतलब क्यू में फिर नया अगर मान्य प्रोसेस आता है तो उसके लिए भी वो रेडी स्टेट में रहेगा वो और लास्ट जो डिवाइस क्यू इसमें देखिए क्या करेगा वो द प्रोसेस वीच आर ब्लॉक ड्यू टू अन एवलेबिलिटी ऑफ अन आई डिवाइस मान लीजिए कि इनपुट आउटपुट के थ्रू मतलब नहीं मिल रहा प्रोसेस अब नहीं अब नया आपको प्रोसेस को नहीं uh, मिल पा रहा है उस कंडीशन में क्या करेगा वो? फिर वो ब्लॉक के कंडीशन में करेगा मतलब वहाँ रोक देगा द ओ एस कैन यूज डिफरेंट पॉलिसीज टू मैनेज इच क्यू और जो ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग पॉलिसी को मैंटेन करता है इस क्यू को मेनटेन करने के लिए जैसे फिफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट राउंड रोबिन जो आप लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा होगा प्रायोरिटी बेसिस पर तो ये अलग अलग एक पॉलिसी जो है जो ऑपरेटिंग सिस्टम इसको मेंटेन करता है उसके थ्रू ये प्रोसेस को एक तरह से डिवाइस जो क्यू के रूप में इसको मेंटेन करने का काम करेगा तो ये तीन स्टेप से इसको क्यू को ये प्रोसेस शेड्यूलिंग करता है देखिए हमने आपको नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाया है कि द डायग्राम भी है उसको देखिए समझिए द ओ एस शेडूलर डिटरमाइंस हाउ टू मूव प्रोसेस बिटवीन द रेड विच कैन ओनली हैव वन इंट्री पर प्रोसेसर कोर ऑन द सिस्टम क्योंकि जो इंट्री होता है प्रोसेसर का वो एक ही आ, मतलब कि एक ही तरह से क्यू है मतलब जो प्रोसेस है बट देखिए वो अलग अलग प्रोसेस गुजरता है नीचे डायग्राम में क्लियर हमने देखा और कैसे ये इट हैज़ बीन मर्ज विद सीपीयू कैसे ये सीपीयू के थ्रू मर्ज हो जाता है देखिए हमने यहाँ एक्सप्लेन किया देखिए सबसे पहले देखिए जॉब क्यू हमने यहाँ दिखाया एरो मार्क दे रहे हैं रेडी क्यू में जा रहा है फिर रेडी क्यू देखिए सीप्यू को भेज रहा है फिर सीपी क्या कर रहा है वो एक आईओ वेटिंग क्यू देखिए जस्ट नीचे एक एरो आ गया जो वेट कराएगा जो इनपुट आउटपुट के लिए वेट करेगा फिर आईओ में जाएगा फिर रेडी क्यू में ये एक पूरा एक प्रोसेस को एक कंटिन्यू करता है और सीपी यू में भेजते जाता है और फाइनली जब कंप्लीट हो जाता है तो फिर एग्जिट कर जाता है एक देखिए ऊपर जस्ट आपको एक डॉटेड डॉटेड जो दिख रहा है मतलब वो एक्चुअली रेडी क्यू के लिए जो वेट करता है मतलब और मान लीजिए कि अगर उसको और नाम नहीं, नहीं मिलता है मान लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूलिंग के थ्रू तो फिर वो क्या करता है वो सीधा सी में भेज और एग्जिट कर जाता है तो ये एक पूरा प्रोसेस को चलता है देखिए इसको हमने यहाँ पर एक मॉडल को दिखाया टू स्टेट प्रोसेस मॉडल Uh, दो ही स्टेट मॉडल के थ्रू ये पूरा प्रोसेस होता है देखिए हमने लिखा है पहला पॉइंट रनिंग व्हेन ए न्यू प्रोसेस इज क्रिएटेड इट एंटर्स इन टू द सिस्टम एज इन द रनिंग स्टेट सिंपल है, है। पहला एक जो सिंपल जो मोड है जो न्यू प्रोसेस जैसे क्रिएट करेगा मतलब वो रनिंग स्टेट में वो एंटर कर गया अब वहाँ से आगे रनिंग होगा नॉट रनिंग ठीक है नॉट रनिंग कब होगा प्रोसेस दैट दैट आर नॉट रनिंग आर केप्ट इन क्यू वेट फॉर देयर रन टन टू एग्जीक्यूट जब वो एग्जीक्यूट करने के, के लिए वेट कर रहा है बट वो क्यू में है और वेट करने का काम करो तो मतलब जैसे जैसे यूजर अगर मान लीजिए कुछ देता है ईच एंट्री इन द क्यूज इज ए पॉइंटेड टू पर्टिकुलर प्रोसेस क्यू इज़ इम्प्लीमेंटेड बाई यूजिंग लिंक लिस्ट जैसे हम लिंक लिस्ट हम लोगों ने पढ़ा है तो ठीक है सी प्लस वगैरह में पढ़ा है तो वहाँ पर देखिए क्यू के थ्रू वो वेट करेगा जैसे जैसे उसको प्रोसेस मिलती जाएगा वो इम्प्लीमेंट करते जाएगा यूज ऑफ डिस्पैचर इज एज फॉलोज वेन ए प्रोसेस इज इंटरप्टेड दैट प्रोसेस इज ट्रांसफर्ड इन द वेटिंग क्यू जैसे मान ली कि प्रोसेस को एक जगह इंटरप्ट कर दिया गया चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू या कम्पलीट प्रोसेस के थ्रू तो फिर वो दूसरा क्यू के लिए ट्रांसफर कर जाएगा इफ द प्रोसेस हैज कंप्लीटेड और एवॉर्टेड प्रोसेस को सपोजाट कंप्लीट कर लिए या उसको एवर्ट कर दिया गया रोक दिया गया द प्रोसेस इज डिस्कारड अब वहां से प्रोसेस रुक जाएगा ठीक है इन आइदर केस द डिस्पैचर देन सेलेक्टेड प्रोसेस फ्रॉम द दिक्यू टू एग्जीक्यूट डिस्पैचर का काम क्या है वो फिर प्रोसेस को सिलेक्ट करता है फिर से वो एग्जीक्यूट करने के लिए क्यू में फिर से वो करेगा वेट करेगा और ताकि क्यू में फिर से प्रोसेस को एक तरह से एग्जीक्यूट करने के लिए वेट दे देगा उसमें तो ये दो ही जो है मॉडल है पूरा जो जिसके थ्रू ये पूरा वर्क जो है शेड्यूल का काम करता है अब जो आपके नेक्स्ट जो आपके टॉपिक है डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन प्रोसेसेस इस प्रोसेसेस में अलग अलग ऑपरेशंस क्या क्या हम लोग कर सकते हैं उसको यहाँ हम लोग को डिफाइन करना है तो देखिए हमने लिखा है देर आर मेनी ऑपरेशंस दैट कैन बी परफॉर्म ऑन प्रोसेस प्रोसेस करने के वक्त कई सारे ऑपरेशंस यहाँ हम लोग करते हैं जैसे उसमें सम ऑफ दीज आर प्रोसेस क्रिएशन सबसे पहला पार्ट है प्रोसेस क्रिएशन करना है प्रोसेस प्रिम्पन प्रोसेस ब्लॉकिंग एंड प्रोसेस टर्मिनेशन ये चार हम लोगों को यहाँ देखना है ऑपरेशन को और चारों को हमने यहाँ पर अलग अलग डिटेल्स हमने यहाँ डिस्क्राइब किया है सबसे पहला प्रोसेस है क्रिएशन processes need to created in the system for different operations this can be done by the following events ab alag alag operations jo hum log yahan karenge jo creation hoga kis kaise kis event mein creation hoga user request for process creation suppose that maan lijiye jab user request karega process ko create karne ke liye to wahan creation hoga System initialization, system को सबसे पहले initialize किया जाए सबसे पहले उसको initial क्या क्या उसमें होना चाहिए उसके लिए हम लोग ready करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे process creation. Third one is एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोसेस क्रिएशन सिस्टम कॉल बाई ए रनिंग प्रोसेस मतलब सिस्टम कॉल के थ्रू जब मतलब रनिंग प्रोसेस के लिए उसको एग्जीक्यूट करने के लिए एक रेडी करना है ठीक है एंड फोर्थ वेन बैच जॉब इनिशलाइसन मतलब अगर मान लीजिए कई सारे उसको जॉब जब मिलता है प्रोसेसर को तो वो एक इनिशलाइज करके एक पूरा बैच के रूप में उसको रेडी करेगा ये भी एक प्रोसेस प्रोसेस क्रिएशन कर लाएगा देखिए हमने लिखा है प्रोसेस मे बी क्रिएटेड बाय अनदर प्रोसेस यूजिंग फोक एक फंक्शन है जिस uh, के थ्रू ये क्रिएशन का काम करता है द क्रिएटिंग प्रोसेस इज कॉल्ड द पेरेंट प्रोसेस एंड द क्रिएटेड प्रोसेस इज द चाइल्ड प्रोसेस इसको ध्यान समझना है जो प्रोसेस क्रिएश जो क्रिएटिंग हो रहा है मतलब जो किया जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे पेरेंट प्रोसेस और जब मन माने कंप्लीट हो गया प्रोसेस तो उसको क्या बोलेंगे क्रिएटेड चाइल्ड प्रोसेस अब ये चाइल्ड हो गया ये चाइल्ड प्रोसेस कैन हैव ओनली वन पेरेंट ध्यान रखना है जो चाइल्ड प्रोसेस होगा उसका हमेशा एक वन ही पेरेंट होगा बट ए पेरेंट प्रोसेस में हैव मेनी चिल्ड्रन मतलब जो पेरेंट होगा मतलब प्रोसेसिंग चलता रहेगा चलता रहेगा तो उसके कई सारे चिल्ड्रन क्रिएट होते जाएंगे बोथ द पेरेंट एंड चाइल्ड प्रोसेस हैव द सेम मेमोरी इमेज ध्यान रखना है कि दोनों का ही मेमोरी इमेज जो होगा सेम होगा ओपन फाइल्स एंड इन्वायरमेंट डिस्टिंग सारी चीज़ जो है कॉमन होगा उसका हाउ एवर हैव डिस्टिंक्ट एड्रेस पे बट सबका अलग अलग एड्रेस जो है स्पेस अलग अलग वो यूज करेंगे नेक्स्ट जो इसका आपका ऑपरेशन है प्रोसेस प्रेम्शन प्रेम्शन मतलब होता है आपका इंटरप्शन एक मैकेनिज्म एंड इंटरप्ट मैकेनिज्म इज यूज इन प्रेम्पन दैट सस्पेंड द प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग करेंटली एंड द नेक्स्ट प्रोसेस टू एग्जीक्यूट इज डिटरमाइंड बाय द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर देखिए जो सीपीयू शेड्यूलर के थ्रू एक अलग अलग शॉर्ट टर्म मतलब थोड़ा थोड़ा ड्यूरेशन के रूप में उसके एक प्रोसेस को क्रिएट करता है तो चूंकि एक मैकेनिज्म है एक प्रोसेस है चूँकि जैसे एक मान ली कि वर्क कंप्लीट कर लिया फिर वहाँ पर उसको उसको प्रेमेशन को रोक देगा इंटरप्ट कर देगा फिर नेक्स्ट के लिए फिर वो प्रोसेस करेगा तो ये एक तरह से सी शेड्यूलिंग के थ्रू ये क्या करेगा पूरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने का काम करता है और वो ये श्योर करता है प्रोसेस प्रेम्शन ये स्टेप में इस ऑपरेशन में कि हर एक प्रोसेस को कंप्लीट एग्जीक्यूट करा दिया गया है सी के द्वारा ताकि वो सीप्यू शेड्यूलिंग के थ्रू शॉर्ट टर्म शेड्यूलर बनाया गया है तो वो एक कम श्योर sure कर लेगा प्रियमशन मेक श्योर दैट ऑल प्रोसेस गेट सम सिप्यू टाइम फॉर एजुक्यूशन जो जो टाइम अलॉट uh, किया गया है एगिक्यूशन के लिए वो श्योर sure कर लेगा कि सारे प्रोसेस कंप्लीट हो गए हैं ठीक है थेके? ये और नेक्स्ट जो uh, इसका जो है थर्ड ऑपरेशन है प्रोसेस ब्लॉकिंग द प्रोसेस इज ब्लॉक्ड इफ इट इज़ वेटिंग फॉर सम इवेंट टू अकर अब देखिए इसमें इस ऑपरेशन में, इस में क्या होगा वेट करेगा ताकि फिर से कोई इसको, इसको इवेंट मिले दिस इवेंट में भी आई यो एज द आई यो इवेंट मतलब इनपुट आउटपुट जो भी हम लोग यहाँ पर इवेंट देंगे जो मेन मेमोरी में एग्जीक्यूट कराएगा एंड डोंट रिक्वायर द प्रोसेसर और वो प्रोसेसर के लिए वेट नहीं करेगा जो जैसे इनपुट आउटपुट जो मिलेगा वो उसको वो करते जाएगा अब यहाँ इसको प्रोसेस को ब्लॉक करेगा आफ्टर द इवेंट इज कम्प्लीट से प्रोसेस कम्प्लीट हो जाएगा तो द प्रोसेस अगेन गोज टू द रेडी स्टेट फिर से वो अपने रेडी स्टेट में चले जाएगा जो हम लोगों ने पहले देखा कि जो एक जस्ट इसके पहले हम लोग ने डायग्राम वहाँ ड्रॉ किया था कि रेडी क्यू में फिर से वो आ जाएगा ठीक है और लास्ट जो इसका ऑपरेशन है प्रोसेस टर्मिनेशन आफ्टर द प्रोसेस हैज कम्प्लीटेड द एग्जीक्यूशन ऑफ इट्स लास्ट इंस्ट्रक्शन इट इज टर्मिनेटेड जब हम कोई प्रोसेस का कंप्लीट जो लास्ट इंस्ट्रक्शन जो हम लोग देंगे जिसको एग्जीक्यूट कराएंगे मतलब समझिए प्रोसेस अब कंप्लीट हो गया तब यहाँ पर इसको टर्मिनेट कर देगा मतलब रोक देगा द रिसोर्सेज हेल्ड बाई ये प्रोसेस आर रिलीज आफ्टर इज टर्मिनेटेड और फाइनली जब टर्मिनेशन हो जाएगा प्रोसेस का तब एक पूरा मतलब कम्प्लीट कर देगा कि हाँ अब आप ये आपका ये रिसोर्सेज जो है एक रिलीज कर देगा मतलब एक पूरा प्रोसेस को वहाँ पर एक शो कर देगा ए चाइल्ड प्रोसेस कैन बी टर्मिनेटेड बाई इट्स पेरेंट प्रोसेस इफ इट्स टास्क इज नो लॉन्गर एलिमेंट मतलब पेरेंट प्रोसेस के द्वारा जो चाइल्ड प्रोसेस जो है जो हम लोगों ने इसके पहले देखा अगर मान ली कि अगर उसका काम खत्म हो गया है तो वो उसको रोक सकता है वो उसको टर्मिनेट कर सकता है द चाइल्ड प्रोसेस सेंड इट्स स्टेटस इन्फॉर्मेशन टू द पेरेंट प्रोसेस बिफोर इट टर्मिनेट्स और जो चाइल्ड प्रोसेस है वो टर्मिनेट्स होने से पहले मतलब रुकने से पहले अपने पेरेंट प्रोसेस को वो अपना पूरा स्टेटस पूरा इन्फॉर्मेशन दे देगा कि हाँ अब अब हमने ये काम कम्प्लीट कर लिया है ऑल्सो वेन ए पेरेंट प्रोसेस इज टर्मिनेटेड फिर उसके बाद सबको पैरेंट प्रोसेस भी टर्मिनेट हो गया द इट्स चाइल्ड प्रोसेस आर टर्मिनेटेड एज वेल एज द चाइल्ड प्रोसेस कैन ऑट रन मतलब जो सिंपल है जब पैरेंट प्रोसेस जब टर्मिनेट हो ही गया तो चाइल्ड प्रोसेस तो रहा ही नहीं चूँकि वो ऑब्वियसली वो टर्मिनेट हो गया तो चूँकि वो पैरेंट प्रोसेस uh, ही टर्मिनेट हो गया है तो अब ये पैरेंट प्रोसेस फाइनली टर्मिनेट हो गया और इस तरह से प्रोसेस पूरा कंप्लीट टर्मिनेट हो जाता है तो ये चार स्टेप के थ्रू हम लोगों ने uh, देखा कि प्रोसेस में कैसे कैसे ऑपरेशन हम लोग कर सकते हैं तो ये जो आपका टॉपिक था जो प्रोसेसेस यही आपका तीन टॉपिक को पढ़ना था जो आज हम लोगों ने डिस्कस किया फिर नेक्स्ट जो टॉपिक आपका है सिलेबस में सीप्यू शेड्यूलिंग फिर उसको आगे हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे थैंक यू